अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, लव फूड कैंटीन के साथ मैं हूं आपकी दोस्त। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा, जो कि हम घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार के किसी भी ब्रांड के हलवे की तरह। तो इसको बनाने के लिए हमने ये 4 किलो गाजरें ली हैं, जिनको हमने छील के अच्छी तरह शेडर कर लिया है। और 4 किलो गाजरों में हम डालेंगे 1 किलो दूध। दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डब्बा पैक या आप खुला दूध। और अब हम इसको पकाएंगे यहाँ तक के जो इसके अंदर दूध है वो खुशक नहीं हो जाता। तो आप हमारे साथ ज्वाइन रहें, देखते रहें कि हम किस तरह बाज़ार जैसा गाजर का हलवा घर में बनाते हैं। जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी गाजरें हैं वो काफ़ी जो है वो हो चुकी हैं ड्राई, यानी कि इसके अंदर जो हमने 4 किलो गाजरों में 1 किलो दूध डाला था वो अब काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 किलो चीनी। ये चीनी अभी सिर्फ हम अंदाज़े से अपने हिसाब से डाल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मीठा ज़्यादा हो तो आप इसके अंदर चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हमने फ़िलहाल 4 किलो गाजरों में 1 किलो दूध लिया, उसको दूध को ड्राई करके अब हम इसके अंदर चीनी डाल रहे हैं। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी का पानी, जो चीनी मेल्ट होकर पानी बन के खुश्क नहीं हो जाता। जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ये इसको अच्छे से चीनी को मिक्स कर रहे हैं और ये चीनी का पानी खुशक होने तक अब हम इसको अच्छे से मुसलसल इसमें चम्मच चलाकर हिलाते रहेंगे और चीनी का पानी खुश्क करेंगे। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो गाजरों का पानी, जो हमने इसमें चीनी डाली थी उसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे घी। घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर देसी घी डालें तो इसका टेस्ट ही अलग होगा। तो अब हम इसके अंदर घी डालेंगे और घी आप इतना डालें कि ये अच्छी तरह जिसमें ये गाजरें भुनी जाएं। हम तकरीबन जो है 1 कप घी डाल रहे हैं, इसमें ये अच्छे से गाजरें जो हैं वो भुनी जाएंगी। और अब जैसे कि पानी ड्राई हो चुका है अब हमने इसमें घी डाला है और अब ये घी मेल्ट होगा और गाजरों को जो है हम अच्छे से जो है इनकी इसकी भुनाई कर लेंगे। तो आए देखते हैं। जी व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है चीनी का पानी खुशक हो चुका था और हमने फिर घी डालकर इसको अच्छे से भुना है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर किस तरह का आया है। और अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर दूध आप 1.5 किलो भी डाल सकते हैं। हमने 4 किलो गाजरों में 1 किलो दूध लिया था, आप 1.5 किलो दूध और फिर भुनते हुए उस घी के साथ आप दूध की बलाई भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा आएगा। अब हम इसको अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। थोड़ी सी और भुनाई के बाद अब हम इसके अंदर खोया डालेंगे और थोड़ा सा खोया डालकर भुनेंगे ताकि खोए का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आप इसको गरम गरम सर्व करें, अपनी मर्ज़ी के आप इसके अंदर नट्स डालें, काजू, पिस्ता, बादाम, जो आप चाहें, और इसको सर्व करें, ख़ुद भी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ। सर्दी की सौगात है तो ज़रूर खाएँ। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी शेयर करके ज़रूर शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसे नॉर्मल फ्लेम पे जो है अच्छे से भून लिया है। अब हम ये एंड पर है, यानी कि ये तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर खोया डाल के 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व करेंगे। और अगर आप खोया नहीं डालना चाहते, क्योंकि कुछ लोग खोया नहीं पसंद करते, तो आप इसके अंदर खोया ना डालें। आप जब दूध डालें तो दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, यानी कि आप 4 किलो गाजरों में 4 किलो ही दूध डाल लें और दूध की बलाई अलग रख लें, वो लास्ट में भुनते हुए जब आप गाजरों की बनाई करें तो तब उसके अंदर आप बलाई डालकर अच्छे से भून लें। जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर खोया डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे ताकि जो इसके अंदर खोए का कच्चापन ना आए, अच्छे से भुन जाए। कई लोग जो है गाजरों को पानी में भी करते हैं दूध की जगह, लेकिन उसका टेस्ट इससे नहीं आता। आप कोशिश करें कि आप जब भी गाजरें को पकने के लिए रखें तो वो दूध में ही रखें, उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें भुनते हुए
और ये अच्छे से खोया जो है इसमें मिक्स हो चुका है। अब आप इसको गार्निश करें अपने मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स के साथ और सर्व करें। और मज़ीद नई रेसिपीज़ के लिए, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।